सभी समाज को मैं हाथ जोड़ के नमन वंदना करता हूँ। मैं एक महात्मा हूँ, मैं मुझे इस घर से कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। मैं फिरता रमता राम आ गया हूँ और ये वेलांगरी धाम है। वेलांगरी धाम की पिता का नाम क्या? रणछोड़। नहीं पिताजी बुराजी कालर, ये वड़लो बोले वड़लो है, ये निशाका है, सदा सुखी रहेगी, खूब फैलेगी, खूब फूलेगी। अन्न से, धन से, ज्ञान से इस क्षेत्र में धर्म की ज्योति जगेगी। देखो कलयुग में भी ज्योति जग रही है, हाँ कहीं धर्म है अभी राजस्थान भूमि में, कहीं धर्म है। इसलिए भगवान ने ऐसा सपुत्र को जन्म दिया जो दुनिया के दुखों को हरण करता है। और बच्चे के नाम है दिनेश। दीन माने दुखी, इस माने ईश्वर। ये दुखियों का गुरु है, दुखियों का देव है, इसलिए इसका नाम है देव दीनगिरी। क्या नाम है? देव दीनगिरी। देव दीनगिरी जी महाराज, बोले देव दीनगिरी जी महाराज की जय। सभी समाज को मैं हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ भाई, कि आप इस धाम पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। और ये हमारा धर्म कहता है, विश्वास करते रहना, आपके रोगों का निवारण होता जाएगा। मेरा छोटा सा नाम सोमगिरी, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, चौहान ठाकुर सोनगरा जैसलमेर, यूपी में मेरा आश्रम है। मेरे को कोई बुलाया नहीं है, मैंने नाम सुना, चलो भाई मैं आया हूँ। और इस बच्चे पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, ये बच्चा का रूप नहीं है, ये भोला महादेव है। भोला महादेव, भगवान महादेव जी शिव जी पार्वती के साथ शादी करी तो जंगल में जाके वे ध्यान में बैठ गए। तो पार्वती ने बोला, भाई ये क्या हाल है महादेव जी, आप अपने ध्यान में बैठ गए, अब गृहस्थ आश्रम कैसे चलेगा? तो के चलाने वालों कोई और बैठो है, वो परमपिता परमात्मा है। तो ये जो शरीर दिख रहा आपको बालक का रूप में है, ये शरीर नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष है। ये पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ा संत था, ये वो बहुत बड़ा महापुरुष था, ये तो यहाँ आके इन्हें एक अवतार ले लिया है, ठीक है। और मेरे लायक को जो भी सेवा होगी क्षेत्र में, तो मैं भी सेवा दूंगा आप लोगों को। बोले जगत गुरु भगवान की, सब संतन की। सब लोग तिलक लगाओ, दो पैरों में लगाओ, लेटो हरि नारायण हरि गुरु चरण कमल बिन भूमि पादुका बिन भूमि आदि नदी जन शरणागतम देवा मां पुष्पा।